इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज देखिए जरा किसमें कितना है दम। जी हाँ, पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद की तरफ से कुछ ऐसा सा ही स्टेटमेंट सामने आया है। जी हाँ, मैं हूँ राजन नाथ, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर। जी हाँ, वर्ल्ड कप का स्टेज सेट है और सभी इस वक्त अपनी वर्ल्ड कप की गतिविधियों में लगे हुए हैं। जी हाँ, सब ने ऑलमोस्ट अपने स्क्वाड भी अनाउंस कर दिए हैं। ऐसे में पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद का यह बयान है कि वह जितने भी मैच होंगे वर्ल्ड कप में, जिस टीम के अगेंस्ट खेलेंगे, वो उस मैच को ऐसे खेलेंगे जैसे कि उनका मैच इंडिया के खिलाफ हो रहा हो। जी हाँ, क्यों उन्होंने ये भी कहा कि 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने इंडिया को हराया था और उनके पास वो इस चीज़ का एडवांटेज रहेगा। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या जिस चीज़ पर सरफराज अहमद इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, क्या उस चीज़ को साबित कर पाएंगे। क्योंकि अगर अभी हाल ही सीरीज में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5-0 से क्लीन वॉश हो गई पाकिस्तान। जी, और दूसरा चीज़ कि उनका जो मेन गेंदबाज है मोहम्मद आमिर, वो तो खैर स्क्वाड में ही नहीं है। तो किस बिना पर पाकिस्तान कह रहा है कि वो सभी मैच इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा, ऐसा मान के चलेगा। और दूसरा, 2017 वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में बेशक हरा दिया हो, लेकिन अब किस तरह से वो वर्ल्ड कप में उन्हें हरा पाएगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही बन जाती है कि ऐसे बयान देना, क्या उनके कॉन्फिडेंस, ये क्या है उनका कॉन्फिडेंस है या उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, वो तो खैर वर्ल्ड कप में पता चलेगा। जी हाँ, वर्ल्ड कप 2019 ICC का वर्ल्ड इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा 30 मई से। और सरफराज अहमद की टीम जो कि अनाउंस की गई है, उसमें काफ़ी नए चेहरे भी हैं, लेकिन अनुभव की कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि एकमात्र अनुभवी खिलाड़ी है शोएब मलिक। तो देखना होगा कि जो बयान सरफराज अहमद ने बतौर कप्तान दिया है, क्या उस बयान पर स्टैंड ले पाएंगे, या ऐसी ही परफॉर्मेंस, जिस तरीके का बयान है, क्या ऐसी ही परफॉर्मेंस इनकी वर्ल्ड कप पे रहेगी या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के जरिए अपनी बात बताएं कि क्या सरफराज अहमद का बयान कॉन्फिडेंस में है या ओवर कॉन्फिडेंस में है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।